हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सभी दोस्तों को नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो गाइस, आज फिर लेकर आया हूँ नया वीडियो, बने रहिए मेरे वीडियो मेरे साथ। तो जैसा कि आप देख सकते हो, ये आपको सुरंगनुमा जो दिखाई दे रहा है, ये पुल के नीचे का हिस्सा है जहाँ पर इस समय खड़ा हूँ। तो फिलहाल यहाँ हो रही थी बारिश, ये अभी बारिश होती हटी है, अभी रुकी है। तो अब हम निकलेंगे यहाँ से। तो ये था नीचे पुल का व्यू जहाँ पे हम खड़े थे। सामने है गुरुद्वारे का व्यू, तो इस साइड से दूसरी साइड रोड के किनारे पे गुरुद्वारा है। इस समय पुल के ये जो सुरंग को मैं बता रहा था, पुल के नीचे सुरंग टाइप दिखाई दे रहा है आपको, तो ये है ऐसा कुछ व्यू। तो रोड का इस साइड का हिस्सा जो वापसी लुधियाना की तरफ जब हम आते हैं, तो सामने ये गुरुद्वारा साहब का व्यू ऐसा दिखाई देता है। ये गुरुद्वारा श्री हरगोबिंद साहिब जी का है, जो कि देख सकते हो। तो अब हम चलेंगे फतेहगढ़ साहब। इस समय मैं पहुंच चुका हूं फतेहगढ़ साहब, जो कि तलानिया गांव में। तो तलानिया गांव में जी सामने से ये रोड के उस पार आप मस्जिद के पिछले हिस्सा देख पा रहे हो, जो कि मैं इस साइड से आपको दिखाते हुए आगे की तरफ बढ़ता जाऊंगा, तब हम इसके अंदर एंटर करेंगे। तो ये बाहर का व्यू है जो कि पिछली साइड का है मस्जिद का, जो कि मैं आपको दिखा रहा हूं। तो इस साइड का इधर से ऐसा व्यू दिखाई देता है पीछे के हिस्से से। तो सामने है ये इस साइड का व्यू जो कि आप देख पा रहे हो। तो पीछे के हिस्से से चलते हुए अब हम सामने आ गए हैं। इस साइड के व्यू से दिखाते हुए सामने बाउंड्री वॉल बाहर बन रखी है रोड के इस पार। तो ये सामने का फ्रंट पार्ट का व्यू है। तो इसके बाद में अब मैं आगे का जो दिखाने वाला हूँ, ये है फाटक रेलवे का। तो रेलवे के फाटक से ऐसा व्यू दिखाई देता है मस्जिद का। तो सामने रेलवे लाइन, इसको क्रॉस करने के बाद अब हम जाएंगे मस्जिद के अंदर। जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, ये है सदना कसाई की मस्जिद। तो इस समय सदना कसाई की मस्जिद पे मैं पहुंच चुका हूं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। शुरू करने से पहले मैं इतना कहना चाहूँगा, जो भी नए व्यूअर्स हैं देख रहे हैं इस वीडियो को, तो वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर कर दें, ताकि आपको हर आने वाले वीडियो मिल सके। तो चलते हैं मस्जिद के अंदर की तरफ। ये है सदना कसाई मस्जिद का बाहर का व्यू। तो बाहर का व्यू ऐसा कुछ दिखाई देता है। तो इस व्यू से इस साइड की तरफ जब हम आते हैं, तो इस साइड का व्यू कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। चारों तरफ बाउंड्री वॉल हो रखी है। इस तरफ लगा है बड़ा सा बरगद का पेड़, जो कि आप देख सकते हो, जो कि बाउंड्री वॉल के साथ में बाहर की तरफ लगा हुआ है। तो ये चारों तरफ हो रखी बाउंड्री वॉल। ये जो बाहरी व्यू से हमको दो गुंबद दिखाई दे रहे हैं, एक सामने इस साइड में, एक इस साइड में। इस साइड का गुंबद देख सकते हो, ऊपर से थोड़ा किनारा टूटा हुआ है। मस्जिद के अंदर एंटर करने से पहले एक नज़र बाहर का व्यू, ये व्यूज दिखा के मैं बढ़ेंगे आप मस्जिद के अंदर के पार्ट की ओर। तो मस्जिद के अंदर के पार्ट की ओर जाने से पहले ये ऐसा एक स्विमिंग पूल टाइप का बन रखा है, जो कि आप देख सकते हो। तो इसके अगल बगल में लगे हैं ये पेड़। तो अब बढ़ते हैं आगे की ओर। तो गाइस, आगे की ओर बढ़ते बढ़ते आपको ये सभी पार्ट्स का एक व्यू दिखाना चाहता हूँ। ये है मस्जिद के सामने वाले हिस्से में बना हुआ एक कुआं। तो ये कुआं है, तो इस साइड में भी ये कुआं टाइप ही है, लेकिन इसमें बरसात का पानी है या ऐसा कुछ है। इस साइड में चलते हैं, तो इस साइड में ये मस्जिद के ऊपरी हिस्से के जाने का रास्ता था, जो कि देख सकते हो यहाँ पे दरवाज़ा लगा हुआ है। तो ये हिस्सा बंद है, तो इस हिस्से से सीढ़ियाँ ऊपर की तरफ जाती थी, जहाँ से मस्जिद के ऊपर के हिस्से की तरफ जाया जा सकता था। तो लेकिन ये हिस्सा बंद किया गया है। तो ये ऊपर का हिस्सा है, ऊपर का हिस्सा भी देख सकते हो। तो अब हम आते हैं इस पार्ट की तरफ।
ये जो मेहराब का दरवाज़ा बन रखा है, साइड का ऐसा व्यू है जो कि आप देख सकते हो। ये बीच के साइड में, इस साइड में कुछ ये स्टोन लग रखे हैं, ये हरे रंग के बीच में दिखाई दे रहे हैं, और साथ में ये लैंप पोस्ट लगा हुआ है जो कि दिखाई दे रहा होगा। तो इस पार्ट की तरफ जब हम आते हैं तो ये एक पोल लगा हुआ है बिजली वाला लाइट के लिए, तो इसके साथ में ये जो कुछ स्टोन लग रखे हैं तो ये भी इसकी वास्तुकला का एक हिस्सा होगा। तो अब हम आते हैं इस पार्ट की तरफ। अरे इस पार्ट की तरफ भाई एक डॉग भी बैठ रखा है लगता है, ये भी मस्जिद में रोज ही आता होगा। तो बढ़ते हैं अब आगे की ओर। तो जैसे ही हम इस साइड में आते हैं तो सामने लग रखा है ये नोटिस बोर्ड इंग्लिश, हिंदी और पंजाबी, तीनों लैंग्वेज में। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हैं या वीडियो पॉज करके भी पढ़ सकते हैं। तो आप चलते हैं दूसरी साइड की ओर। दूसरी साइड की ओर जाने से पहले मैं आपको इस पार्ट का हिस्सा दिखाना चाहता हूँ। तो इस पार्ट का हिस्सा ऊपर से अगर हम देखते हैं तो सामने ये मेहराबदार जो दरवाज़ा बन रखा है इसके ऊपर के हिस्से में ऐसा कुछ दिखाई देता है जो कि आप देख सकते हो। तो काफ़ी मोटी दीवारें भी हैं, तो अभी तक मजबूती में खड़ी हुई हैं। तो इस साइड का व्यू, तो इस साइड में भी एक ये लैंप वाला पोल लग रखा है। तो ये है आखिरी छोर का हिस्सा। तो आखिरी छोर का हिस्सा जब हम यहाँ से देखते हैं तो ऐसा दिखाई देता है। तो इसका ये मेहराबदार इस साइड का दरवाज़ा भी देखने में बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा है। तो इसके अंदर की साइड की तरफ अगर हम देखते हैं तो इसके इस साइड में अंदर की तरफ काफ़ी अंधेरा है, लेकिन ये चारों तरफ मेरे को देखने में लग रहा है जिससे खुले एंट्री पॉइंट बन रखे हैं। तो अब हम इस एंट्री पॉइंट की तरफ जैसे ही आते हैं तो यहाँ से छत का व्यू ऐसा दिखाई देता है। तो अब हम इस पार्ट की तरफ जाते हैं। तो अब हम मस्जिद के अंदर के पार्ट की तरफ हैं। तो इस पार्ट से ये बाहर की साइड का व्यू ऐसा दिखाई दे रहा है। छत के साथ में ये जो ऊपर बन रखे हैं काफ़ी अट्रैक्टिव हैं। तो अंधेरा होने के बावजूद में भी थोड़ी बहुत रोशनी आ रही है जैसा कि हम देख पा रहे हैं, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं देखने में। तो ये है ऊपर मस्जिद के डोम का हिस्सा जो कि यहाँ से आपको मैं दिखा रहा हूँ। तो अगर हम बात करें इस साइड से होते हुए जब हम किनारे पे, ये किनारे के हिस्से की दीवारों की कंडीशन आज भी देख सकते हो। ये बारीक ईंटें हैं, चूने मसाले से बना रखी हैं जो कि पुराने ज़माने का लगा हुआ, ये अभी तक मजबूत स्थिति में है, लेकिन कहीं कहीं पे देख सकते हो थोड़ी थोड़ी चूना या मिट्टी जो भी इससे जोड़ा गया है ये ऐसे झड़ रहा है। तो लेकिन अभी भी मजबूत स्थिति में है, जो कि 500-600 साल पुरानी ये मस्जिद है। तो मस्जिद का ये आखिरी छोर इस साइड से। तो इस साइड से आते हुए अब बिल्कुल पीछे वाले पार्ट में हम मस्जिद के, तो पीछे वाले पार्ट में ये बाउंड्री लाइन जो पीछे पीछे दिखाई दे रही है ऐसा दिखाई दे रहा है मस्जिद का व्यू। तो अब हम जाएंगे इसके पीछे की तरफ से इसका व्यू लेने की कोशिश करेंगे। इससे से जब हम देखते हैं तो मस्जिद का ये व्यू ऐसा दिखाई देता है। ऊपर का व्यू ये, इस साइड में दीवार का हिस्सा कुछ टूटा हुआ है तो गुंबद का दृश्य दिखाई दे रहा है। तो ऐसा व्यू पीछे के हिस्से से दिखाई देता है। अब हम चलेंगे इसके दूसरे हिस्से से अंदर की साइड की तरफ। तो इस हिस्से से, बिल्कुल पीछे के हिस्से से जब हम वापसी की तरफ इस हिस्से से आते हुए इस हिस्से से जाते हैं, अब हम इसके अंदर से मेन एंट्री पॉइंट की तरफ जाएंगे तो बाहर से ये ऐसा दिखाई देता है जहाँ से हमको एंटर होना है। तो यहाँ से ही हम सीधे हिस्से की तरफ, जो मेन पॉइंट है वहाँ एंटर होंगे। तो उस हिस्से से हम
यहाँ पहुँच गए हैं। तो यहाँ का व्यू मैं आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ का व्यू ऐसा दिखाई देता है। ये ऊपर के गुंबद के हिस्से का अंदरूनी व्यू जो कि ऐसा दिखाई देता है, क्योंकि आज भी काफ़ी अच्छी स्थिति में है, देखने लायक है। तो ये है मुख्य गुंबद जो इस साइड के किनारे की, तो ये बाकी इसका इस साइड के हिस्से का ये व्यू जो कि आप देख पा रहे हैं। कोनों पे काफ़ी अच्छी कलाकारी की गई है ईंटों के द्वारा, ईंटों को काफ़ी अच्छे डिजाइन में बनाया गया है। तो इस हिस्से से होते हुए अब हम आगे के हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। तो आगे का हिस्सा, ये इसकी दीवारों का आप मोटाई पहले मैं आपको दिखा दूं। ये मेहरावदार जो हिस्सा बन रखा है एंट्री पॉइंट आगे जाने के लिए, तो इस हिस्से से आप देख सकते हो दीवार की मोटाई। तो इसी से अंदाज़ा लगा सकते हो पुराने ज़माने में कितने लाखों हजारों ईंटों से बनाया गया होगा। हजारों तो नहीं बोल सकते, लाखों ईंटों से तो ज़रूर बनाया होगा। तो इस एंट्री पॉइंट से अब हम अंदर के पार्ट की तरफ हैं। मस्जिद के ये मेन पार्ट का ये हिस्सा नीचे से देखने पर देखो बहुत ही शानदार दिखाई दे रहा है, लेकिन ऊपर का भाग जो कि खंडित हो गया है, और ऊपर के भाग के लिए मैंने शुरुआत में आपको दिखाया था गेट पे जालीदार लोहे का दरवाज़ा लगा रखा है, जिससे हम ऊपर के पार्ट में नहीं जा सकते। तो ये नीचे का पार्ट है जहाँ से मैं आपको दिखा रहा हूँ। ऊपर का गुंबद का हिस्सा टूट चुका है, लेकिन अभी भी इस हिस्से से अगर हम देखें तो ये जो मेहरावदार आले हैं और ये ऊपर का डिजाइन है, तो डिजाइन आज भी अपनी आकर्षक छटा दिखा रहा है, जो कि देखने में काफ़ी आकर्षक लगते हैं, लेकिन कुछ हिस्से इसके खंडित हो रखे हैं। ये है सदना कसाई की मस्जिद का व्यू, जो कि नीचे का हिस्सा यही है जो कि हम आपको 2023 में दिखा सकते हैं। तो ये है इस साइड का हिस्सा। तो अब हम बात करते हैं इस साइड के हिस्से की। तो इस साइड का हिस्सा अंदर से अंधेरा है, तो इधर से होते हुए जैसे हम इस साइड के हिस्से की तरफ अंदर कैमरा करते हैं तो ऐसा व्यू दिखाई देता है। अब हम अंदर के हिस्से का व्यू दिखाते हैं। तो इस साइड का हिस्सा जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, पहले मैं आपको गुंबद के अंदरूनी भाग का हिस्सा दिखा दूँ। चारों तरफ रोशनदान टाइप बन रखे हैं जो कि रोशनी आने के लिए, तो उसी वजह से आप इसका शायद कुछ व्यू देख पा रहे हो। इस साइड से ऐसा दिखाई देता है जो कि मैं उस साइड से आपको इस साइड का व्यू दिखा रहा था। तो ये एक ही हिस्सा है जो कि इस तरह से जोड़ रखा है, बीच में ये दीवार का हिस्सा आ रहा है जो कि आप देख पा रहे हो। अब फिर बढ़ते हैं मेन उसी हिस्से की तरफ वापसी। तो इधर से भी ऊपर से देखने पर ये काफ़ी अच्छा डिजाइन सा दिखाई दे रहा है जो कि आप देख पा रहे हो। तो यही वो स्टोन जो कि मैं बता रहा था बाहर मेन पार्ट में लगे हुए थे जो कि मैंने आपको दिखाए थे, उसी तरह ये अंदर के हिस्से में भी ये बीच बीच में पत्थर टाइप लग रखे हैं। तो इनको पीछे से देखने पर कुछ ऐसा व्यू आता है। तो सदना कसाई की मस्जिद में कहीं कहीं ये स्टोन बीच बीच में लग रखे हैं, और बीच में ये लाल रंग का भी देखने को मिलता है वो बना हुआ हिस्सा। तो ये मेहरावदार हिस्सा जो कि ऐसा दिखाई देता है। तो इसके बगल में ये स्टोन टाइप जो कि मैंने आपको बाहर भी दिखाए थे। तो अब बात करते हैं सदना कसाई के बारे में। गाइस, अब हम हैं सदना कसाई मस्जिद के मेन अंदर के हिस्से में। तो मस्जिद का वो हिस्सा दिखाने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि सदना कसाई के बारे में कहा जाता है कि 1180 में इनका जन्म हुआ पाकिस्तान के सिंध प्रांत में हैदराबाद शहर के पास एक सेम्बाल नामक इलाके में। तो सदना कसाई पेशे से जो कि कसाई था, जैसा कि जानवर काट के बेचना इसका पेशा था।
तो जानवर काटने का पेशा इसका था। तो इसके बारे में ये इतिहास में कुछ ना ही कोई इतिहासकार पक्के तौर पर बता पाते हैं, ना ही इसके बारे में कोई तथ्य है, ना ही इनके माता पिता का नाम पता है, ना ही ये कह सकते हैं सदना कसाई का पहला नाम क्या था। तो रही बात इस सदना कसाई के पेशे की, तो सदना कसाई जैसा कि पेशे से कसाई था, तो सदना कसाई जो कि कसाई से भगत बाद में बना, इसके पीछे की एक कहानी जो कि प्रचलित है, कही जाती है कि सदना कसाई के पास एक ग्राहक आया, तो ग्राहक ने उसको कहा कि मेरे को बकरे की टांग चाहिए। तो सदना कसाई बकरे की टांग काटने के लिए जैसे ही बकरे के पास में गया तो बकरा हंसने लगा। तो सदना कसाई को पता नहीं क्या महसूस हुआ कि बाद में उसने सोचा कि बकरा मेरे पे आज क्यों हंस रहा है। तो जैसे ही कहने का मतलब उसने बकरे की तरफ देखा तो उसको लगा वो आज जीवन में कुछ गलत कर रहा है, क्योंकि बकरा जो कि आज तक पूरा बकरा मार कर तब वो बेचा जाता था, लेकिन उस बकरे की तरफ से ही कहते कहा जाता है कि बकरे ने ही कहा भी सदना आज ज़िंदगी में ऐसा पहली बार होगा कि कोई कसाई बिना जानवर को मारे तो उसके शरीर का कोई अंग काट के किसी ग्राहक को बेच रहा है। तो सदना को ऐसा कुछ महसूस हुआ या कुछ सुनाई दिया कहते हैं। तो सदना जैसे ही इतनी बात को सुन के बाहर आया तो बाहर में जो ग्राहक था जो उससे बकरे की टांग मांग रहा था वो दिखाई नहीं दिया। तो सदना को ऐसे लगा कि मेरे को शायद ऊपर वाले की तरफ से कोई इशारा है। तो उसने कहते हैं इस काम को सदा के लिए छोड़ दिया और हमेशा के लिए कहते हो फकीर हो गया। तो इसीलिए सदना कसाई की यही कथा ज़्यादातर प्रचलित है। तो हम दिखाते हैं इस मस्जिद के पार्ट के जो व्यू जो किया नीचे के हिस्से से मैं आपको दिखा सकता हूँ। तो शुरू करते हैं आगे का पार्ट। तो मेन पार्ट के अंदर से इस साइड का हिस्सा दिखा रहा हूँ जो कि चारों तरफ से खुला हुआ है ऊपर से, तो इसके चारों तरफ का व्यू ऐसा दिखाई देता है। तो किसी समय ये काफ़ी खूबसूरत रहा होगा, जैसा कि आज भी इसकी खूबसूरती का ये नमूना देखने को हमें मिल रहा है, लेकिन अभी भी कुछ हिस्से बचे हुए हैं देखने लायक जो कि ठीक ठाक हैं। तो ये कोनों पे जैसे ये बन रखे हैं हिस्से, ये डिजाइनदार हिस्सा जो कि कोने पे बन रखा है इसी तरह सभी कोनों पे हैं, और इस साइड का ये हिस्सा। तो ये मस्जिद का ऊपर का हिस्सा जो कि गिर गया है या क्या हुआ है, कब गिरा है, इसके बारे में कोई तथ्य नहीं है, ना ही कोई बोर्ड लगा हुआ है, लेकिन बाकी दो गुंबद जो कि बाहर से हमको दिखाई दे रही थी वो बची हुई हैं। तो अब हम आते हैं इस पार्ट की तरफ। तो इस पार्ट में भी एक दीवार सी कर रखी है, तो या तो ये दीवार जैसा कि ईंटों से दिखाई दे रहा है तो इन ईंटों से लगता है ये दीवार बाद में इसको बंद किया गया है। तो इसके इस हिस्से में क्या है कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, ये जाली टाइप कुछ रखा हुआ है। भाई साहब चलते हैं बाहर की ओर। तो अब हम हैं बाहर के पार्ट में। तो ये है सदना कसाई की मस्जिद का व्यू 2023 में। इसी के साथ वीडियो करते हैं समाप्त। तो मिलेंगे वीडियो के किसी अगले पार्ट में। तो इसी के साथ ही गाइस शुक्रिया।